केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे, जहां गरियाबंद के तिरंगा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। दरअसल सावन माह के मध्य में वो मरौदा स्थित विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन और पूजा अर्चना करने गरियाबंद पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश की उन्नति, समृद्धि और विकास के लिए भकुरा महादेव से प्रार्थना की। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश साहू, जिला महामंत्री अनिल चंद्राकर मौजूद थे। बता दें कि जिला भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद मुरलीधर सिंह ने गरियाबंद क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और मांगों को रखा, जिसमें गरियाबंद देवभोग से उड़ीसा तक ट्रेन चलाना, 500 सीटर गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भी उनकी राय ली। बाबा भोलेनाथ हम सबके आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक रूप से यहाँ पर विराजमान है, जीवन धन्य हो जाता है दर्शन करके। और बाबा जी के ललाट पर चंद्रमा भी विराजमान है, गंगा मैया भी विराजमान है। ये वो पुण्य धरती है जहाँ बाबा भोलेनाथ जी विराजमान है। मैं बाबा भूतेश्वर नाथ के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए और पूरे देश की खुशहाली के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए और हम सब प्रेम पूर्वक रह करके हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो, देश का विकास हो और हम सब मिलजुल करके काम करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।